Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। कोविड 19 के चलते 15 जुलाई से 22 जुलाई 2020 तक एक हफ्ते का लॉकडाउन बीदर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। उसी के चलते बसो कल्याण में आज पहला दिन देखने को मिला। बसो कल्याण सिटी की पूरी मार्केट बंद रही, मेडिकल हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप और गवर्नमेंट ऑफिसेस चालू रहे। लॉकडाउन के पहले दिन कुछ लोग जरूरत के तौर पर रोड़ों पर नजर आए, कोई हॉस्पिटल के लिए तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस के लिए बाहर निकले, बाकी सभी इस लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों पर ही रहे। बीके मार्ट, बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग फॉर बसव कल्याण। एमएस स्माइल इंजीनियरिंग वर्कशॉप, मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रॉली, एक्सेल एंड डिस्क। बसो कल्याण तालुके में पिछले 15 दिन में आए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को बसो कल्याण गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया है, जिन्हें आज तक डिस्चार्ज नहीं किया गया, जिसके चलते आइसोलेट वार्ड में मौजूद लोग काफी परेशान हैं और उनकी फैमिली के लोग भी बहुत परेशान हैं। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से 7 दिन आइसोलेट किया जाए। अगर किसी पेशेंट में कम सिम्टम्स होने पर उन्हें होम क्वारंटाइन होने के लिए कहा गया है, लेकिन बसो कल्याण गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पिछले 15 दिन से जो पेशेंट हैं उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, ऐसा कहकर उनको आइसोलेट किया जा रहा है। ऐसे में बसो कल्याण के चंद जिम्मेदार लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का दौरा किया और सीएमओ से मुलाकात की और डीएचओ एसी से भी इस गाइडलाइंस के बारे में बात की, लेकिन इस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा, इस तरह का इल्ज़ाम बसो कल्याण के लोगों ने लगाया। खलील गोबरे, सोशल एक्टिविस्ट बसो कल्याण। अभी हम जनरल हॉस्पिटल आए थे, यहाँ पर जो है कोरोना पेशेंट जो है 20 दिन से जो है आज आइसोलेशन में है, उनको डिस्चार्ज करने के लिए तैयार नहीं है हॉस्पिटल वाले और वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डाल रहे हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं। सर्कुलर जो है 1/7/2020 का सर्कुलर ये है कि जो है पेशेंट को 6-10 डेज के अंदर SOP लेने के बाद 10 डेज के अंदर अगर रिजल्ट नहीं आया तो री सैम्पलिंग नहीं लेना बल्कि ऐसे डिस्चार्ज करना, ये सर्कुलर है। और दूसरा असिम्टोमेटिक जो पेशेंट है उनको होम आइसोलेशन के गाइडलाइंस हैं, फिर भी ये लोग वॉलंटरली जो है आज 23 पेशेंट्स हैं जो आकर सैंपल्स दे के जो है ये बीमारी वबा नहीं फैलना बोलकर आकर जो है अपने तौर पर आकर तो यहाँ पर अपने आप को जो है आइसोलेशन में दिए, उसके बावजूद जो है आज ये हरासमेंट हो रहे हैं। अगर ये इस तरह अगर हरासमेंट होता गया तो लोग जो है वॉलंटरली कोई आकर टेस्ट नहीं कराएगा, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी खौफ में मुब्तला हैं और अच्छे लोग हैं जिस इनको सिम्टम्स किसी किस्म के सिम्टम्स नहीं हैं जो 23 लोग हैं। और डेली जो भी लैब चालू हो गए बिदर की बोल के रिपोर्ट्स आ रही है, इससे पहले बंद थी बोल के रिपोर्ट्स आ रही है, 2-2 बार सैंपल्स दिए, अभी तक जो है उनके सैंपल्स का जो है रिजल्ट नहीं दिया गया, जबकि और ही इनको जो है 14 डेज के अंदर अंदर जो है डिस्चार्ज करना है यहाँ से, क्योंकि WHO के नॉर्म्स के मुताबिक 14 डेज के अंदर वायरस ख़त्म हो जाता है और इनको जो है क्वारंटाइन से डिस्चार्ज किया जाए, या ऑर्डर्स भी हैं। हम जो है कंटिन्यू 1 महीने से गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पर जो है लोगों के तकलीफ़ के वास्ते उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ पर आइसोलेशन चालू होकर आज 15 दिन हो गया आइसोलेशन वार्ड। 15 दिन में जो पहले पेशेंटों को ला कर रखे थे वो 29 पेशेंट हैं जिसको आज तक डिस्चार्ज नहीं किया गया, सिर्फ उनकी रिपोर्ट आना है ये कहकर उनको यहाँ पर रुका कर रखा गया है। जबकि जो है ICMR के जो है गाइडलाइंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, जिन पेशेंटों में कोई सिम्टम नहीं है उनको घर पर ही होम आइसोलेशन करने का जो है गाइडलाइंस आ चुका है।
आकर भी ये गाइडलाइंस 10 दिन हुआ है और हम ये गाइडलाइंस के मुताबिक आकर मैडम या अपर्णा मैडम से मिल रहे हैं, एसी साहब को बोल रहे हैं, बीदर में जो है डीएचओ को जाकर बोले, कोई ये जो है गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा। और जो है ये जो पेशेंट यहाँ पर है इनका कोई सिम्टम नहीं, मगर ये लोग अब 10 दिन से रहकर अंदर उनके फोनों पे ये बात हो रही है, उन्होंने ये बोल रहे हैं कि यहाँ नहाने के पानी के गर्म पानी का इंतजाम नहीं है, हम 10 दिन से पानी नहीं नहाए, आज हम मजबूरन ठंडा पानी नहाए तो हमको जो है बुखार चढ़ने के जो है आसार दिख रहे हैं। तो ये लोग पेशेंट अच्छे पेशेंट को लाकर यहाँ पर बीमार कर रहे हैं, ऐसा हमको समझ में आ रहा है। सीएमओ मैडम से आप बात करने के बाद वो क्या बताया आपको? उन्होंने जो है ये बात बोले कि जो है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जब तक के बीदर वाले कोई डायरेक्शन नहीं देते हम कुछ नहीं करते। यहाँ पर जो है आइसोलेशन वार्ड खुल गया है तो जिम्मेदारी भी इनको होना, इन्होंने जो है अपने हायर अथॉरिटी बीदर की अगर जो है गाइडलाइंस के ऊपर चलने वाले हैं, बीदर वालों के जो है बीदर वालों को फॉलो करने वाले हैं, तो फिर यहाँ पर जो आइसोलेशन वार्ड खोलकर मतलब क्या है? आइसोलेशन वार्ड जब खोलें तो यहाँ के ही पूरे स्टाफ के जो बॉस होते हैं उनको ये जिम्मेदारी होना कि ये लोग कितने दिन इनको यहाँ रखना, कितने दिन में डिस्चार्ज करना, जबकि ये कोई सिम्टम वाले पेशेंट नहीं, इन्होंने सिर्फ वॉलेंटरी अपना टेस्ट कराया सो है, इनको कोई घर पे जाके टेस्ट कराओ बोला नहीं, इनके फैमिली में कोई पॉजिटिव आया नहीं, इनको जो है थोड़ा सा बुखार महसूस हुआ तो इन्होंने खुद आकर मेरे मोहल्ले में मेरे घर में ये बीमारी नहीं फैलना बोलकर ये लोग खुद आकर जो है अपना यहाँ पर टेस्ट कराए, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आते जो वॉलेंटरी यहाँ आए, इनको कोई गवर्नमेंट का या पुलिस वाला या जो है म्यूनसिपालिटी से कोई आदमी जाकर घर से नहीं लाया, इन्होंने खुद आकर जो है अपने आप को आइसोलेशन में जो है रखना बोलकर यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रुजू हुए। रुजू होने के बाद आज 14 दिन हो गए, अब इसमें से एक आधा भी पेशेंट भाग गया तो वो पेशेंट को इन्हों पकड़ बुला उसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करते, तो पेशेंट को मुजरिम बनने पर इन्हों मजबूर कर रहे हैं। पेशेंट तकलीफ से जो है जितने दिन गुजारे यहाँ, अब उसके बाद अगर यहाँ से निकल गया तो उसके ऊपर इन्हों क्रिमिनल केस बुक करेंगे, क्रिमिनल केस बुक करके उसको मुजरिम बनेंगे, तो मुजरिम बनाने के जिम्मेदार कौन हुए? जो दवाखाने के जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने। तो इस चीज को समझना चाहिए, चाहे हमारे एसी साहब हो या हमारे डीसी साहब हो या हमारे डीएचओ हो बीदर के या हमारे टीएचओ तालुका ऑफिसर हो, ये सब लोग इस बात को समझना चाहिए, ये लोग जो है ना पेशेंटों को रख रहे हैं, इनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, जबकि हम रोजाना यहाँ पर आकर जो है उनसे जो है बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ, रिपोर्ट गई है, रिपोर्ट आ रही है, दो मरतबा एक पेशेंट का जो है आप सैंपल लेते हैं और दो मरतबा भी रिपोर्ट नहीं आती, तो जो है ताज्जुब की बात है। तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।